मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को राजस्थान की एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे लोग आज तक बेखबर थे। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाई जाती है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई नहीं रुकता है और इसके आसपास घूमना भी मना है, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम ढलने के बाद जाता है वह इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है यह तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा। आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं, तो जुड़े रहे हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहां हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है। जुड़िए हमसे और साझा करें इस सफर को, जहां हर क्लिक एक नया परिचय होता है। किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का सबसे खूबसूरत मंदिर कहा जाता है। लेकिन 900 साल पुराने इस मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर में एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह किराड़ू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहां पर रहने के लिए आए थे और यहां पर कुछ दिन बिताने के बाद थोड़े और दिन बिताने का निश्चय किया। एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वाले लोगों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो वह अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का क्या हक है। और तभी उन्होंने पूरे गाँव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूते रखा और शाम ढलने से उसे यहाँ से बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकलने को बोला। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नजदीक के गांव वाले के पास आज भी उस कुम्हारी की मूर्ति है, इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता है।